हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती भावना धौनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मिस्टर तरुण नेगी और श्रीमती रश्मि सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आज हम सभी आपको यहाँ जो हमारे विद्यालय में बीएड स्पेशल एजुकेशन में बीएड का पाठ्यक्रम चलता है कि उसमें आप लोग किस तरह से एडमिशन लें, किस तरह से एडमिशन की जो प्रोसेस होती है उसे बताने के लिए आए हैं। हमारे विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से बीएड के दो पाठ्यक्रम चलते हैं। बीएड, एक तो बीएड ओडीएल में होता है और एक होता है बीएड स्पेशल एजुकेशन में। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन की, कि उसकी प्रवेश की क्या प्रक्रिया है। तो जो जो भी व्यक्ति, जो उसकी कहते हैं कि जो योग्यता है, अर्हता है, जो मुख्य कि उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति का अगर उसका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो वह यह फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है, कि वो यह फॉर्म भर सकता है। ठीक है, उसकी 50% क्या 50% होनी चाहिए, 50% योग्यता होनी चाहिए, किसमें? ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में। और ये जो हमारे यहाँ विशेष शिक्षा में जो हम बीएड पाठ्यक्रम चलाते हैं, ये बेसिकली हम तीन स्पेशलाइजेशन में चलाते हैं। पहला है IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसमें जो हम ट्रेनी टीचर तैयार करते हैं वो जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं वो उन्हें पढ़ाते हैं। दूसरा है HI, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता। इसमें जो बच्चे या जिन ट्रेनिंग्स को हम तैयार करते हैं वो बच्चे जो बोलते और सुनते नहीं हैं उन लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। और तीसरी है विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधिता। इसमें जो ट्रेनी है वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे देख नहीं पाते। और चौथी है SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमता, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने में परेशानी है उनके लिए हम टीचर ट्रेनी तैयार करते हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्स है हमारे यहाँ, ये चार स्पेशलाइजेशन में चलता है। तो जो ये बीएड स्पेशल एजुकेशन है, कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये कहाँ से इसको मान्यता मिली है, कौन ऐसी संस्था है जो इसको मान्यता प्रदान करती है। तो ये कोर्स जो है ये RCI द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत समिति के रूप में की गई थी। सितंबर 1992 को संसद द्वारा RCI अधिनियम पारित किया गया और 22 जून 1993 को यह एक वैधानिक निकाय बन गया। इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2000 में संसद द्वारा इस अधिनियम में संशोधन किया गया। RCI जो है वो विशेष व्यक्तियों को जो दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उन्हें रेगुलेट और मॉनिटर करता है। यह जो बीएड के जितने भी प्रोग्राम हैं या पुनर्वास के जितने भी प्रोग्राम हैं उन्हें मानकीकृत करता है, यानी कि उनको एक स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक, और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले योग्य पेशेवर या कर्मी या जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये एक सेंट्रल रिहैबिलिटेशन जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करता है। तो जो भी जितने भी पुनर्वास के प्रोग्राम होते हैं वो RCI द्वारा मॉनिटर होते हैं और उनके द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है। तो जो हमारे यहाँ का भी जो बीएड प्रोग्राम है जो हम चलाते हैं ये RCI द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब इस कोर्स को करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, आप स्पेशल बीएड क्यों करें, इसके बारे में जो आपको जानकारी देंगी वो जो मेरी सहयोगी हैं श्रीमती रश्मि सक्सेना जी देंगी। मैम धन्यवाद। भावना मैम, मैं रश्मि सक्सेना, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको स्पेशल बीएड की जो प्रक्रिया मैम ने बताई थी आपको उसके आगे के वाली बारे की प्रक्रिया में बताती हूँ कि हमारे जो विश्वविद्यालय में ये कोर्स स्पेशल बीएड का कराया जाता है ये 5 सेमेस्टर में होता है, और ये 5 सेमेस्टर का मतलब 2.5 साल का कोर्स है। ये आपका 2.5 साल के कोर्स में हम 4 स्पेशलाइजेशन होते हैं, LD, MR और HI और BI। ये 4 स्पेशलाइजेशन में हमारे यहाँ ये 2.5 साल का कोर्स कराया जाता है जो 5 सेमेस्टर का है। और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है पर सेमेस्टर 15,000, 15,000 इसकी फ़ीस है पर सेमेस्टर। और जैसा कि आपको अभी आपने भावना मैम ने बताया था कि ये RCI से रजिस्टर्ड है
और इसके करने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं, स्पेशल बीएड को करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आगे आने वाले समय में। जैसा कि आपको अभी भावना मैम ने बताया कि आप स्पेशल बीएड का कोर्स करने के लिए ये प्रक्रिया है, आरसीआई से रजिस्टर्ड होता है, इस कोर्स से रिलेटेड क्या स्कोप है, बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि जो स्पेशल चाइल्ड होता है, जो दिव्यांग बच्चा होता है, उससे रिलेटेड आप जो ट्रेनिंग, ये शिक्षण जो आप प्रक्रिया लेंगे, आप जो ट्रेन टीचर बनेंगे आप, तो इसके लिए अभी हाल ही में सीबीएसई से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि उनकी ये प्रक्रिया है कि आप हर सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में एक स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है। अगर आपके यहाँ स्कूल में सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूलों में अगर स्पेशल एजुकेटर नहीं होगा तो उनकी मान्यता को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए इस पर्पज़ से आपकी स्टेट गवर्नमेंट में भी वैकेंसी निकलेंगी, आपकी इंडिया लेवल पे भी इसकी वैकेंसी निकलेंगी, जितने भी विश्वविद्यालयों में जब स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकलेंगी उसका बेनिफिट आपको स्पेशल बीएड के कोर्स करने से मिलेगा। और क्या है, आप एक स्पेशल चैट पे जब कोई भी वर्क करती हैं, आप कोई भी एक्टिविटीज़ करती हैं, इस पर आईईपी बनती है, एक स्पेशल आईईपी जब बनाएंगी आप और उस पर आप वर्क करेंगी तो आप अपना एक पर्सनल बिजनेस के तरीके से, या आप अपने उस बच्चे के फ़ायदे के लिए भी, उनके पेरेंट्स के फ़ायदे के लिए भी आप एक एनजीओ तैयार कर सकती हैं, स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल खोल सकती हैं ताकि हर स्पेशल बच्चा आपके यहाँ आए और आपसे कुछ सीखे, एजुकेशन ले। इसमें आपके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है। डम एंड डब बच्चों के लिए भी एक डॉक्टर्स के यहाँ से विजिट होते हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स के काम में आता है ये कोर्स, और जो वैसे दिव्यांग बच्चे जो हैं वो भी आपके कहने में उनको ट्रेन करने में, उनको कैसे एजुकेटेड बनाया जाए इसके लिए इस प्रक्रिया में आपको स्पेशल बीएड बहुत लाभदायक है। इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक स्कोप है। आने वाले समय में जब आप इस पर वर्क करेंगे, एनजीओस बन जाएंगे, बहुत सारे एनजीओस आप हो सकते हैं, आप लोग अगर इस पर वर्क करेंगे स्पेशल चैट पे तो एनजीओ भी बन सकते हैं आप। स्पेशल जो ट्रेनिंग होती है, स्कूल ट्रेनिंग जो होते हैं उसमें भी आप एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में वर्क कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है स्पेशल दिव्यांगता पे। आपने देखा होगा जगह जगह समय समय पर टीवी चैनलों पे भी बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं दिव्यांगतों के लिए और अलग अलग उसके दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसे ओलंपियाड में लोग जा रहे हैं उसको ट्रेनिंग देनी है, या किसी भी बच्चे को स्पोर्ट्स लाइन में जाना है उसको ट्रेनिंग करना है, या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चे, दिव्यांग बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उन्हें शिक्षित बनाया जाए, ये भी आपको स्पेशल एजुकेटर के रूप में सामने आएगा। थैंक यू। धन्यवाद रश्मि मैम। अब इस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश कैसे लें, प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? हमारे यहाँ ये जो प्रवेश है ये ऑनलाइन होता है, इस प्रक्रिया को आपको विस्तार से मेरे जो सहयोगी हैं तरुण सर वो बताएंगे। तरुण सर। धन्यवाद भावना धोनी मैम और रश्मि मैम। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। आज मैं आपको बीएड स्पेशल में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा कि कैसे आपने फॉर्म भरना है इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बीएड का आजकल एंट्रेंस फॉर्म भरा जा रहा है ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 7 अगस्त है। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो पहले हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा 2 जगह होगा, देहरादून और हल्द्वानी में। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपकी आंसर की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट में हमारी www.uu.ac.in में सब आती है, समय समय पे अनाउंसमेंट आते रहते हैं वेबसाइट में। इसके अलावा जब हमारा आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या है, मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद एक काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा कि आपने काउंसलिंग में अटेंड करनी है, कहाँ करनी है, आपका नाम कौन सी काउंसलिंग में आया है, कितनी तारीख को आया है, वो सब आपको वेबसाइट के माध्यम से पता चलेगा। तो उसके लिए आपको रेगुलर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, और आपका हल्द्वानी में काउंसलिंग अटेंड करनी है, फिर देहरादून में करनी है, वो भी हम आपको उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि आपने काउंसलिंग के दौरान क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट लाने हैं, जैसे जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है क्या क्या चाहिए, डोमिसाइल लाना है, फ़ोटो लानी है, क्योंकि क्या रहता है काउंसलिंग के दौरान ही हम आपका एडमिशन फॉर्म भी फिल करवाते हैं, तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें लानी है। और मैं आपको
इंटेंस फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कई बार हमने देखा बच्चे ODL BEd और BEd स्पेशल में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भरना BEd स्पेशल जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ाने के लिए काम आता है BEd स्पेशल उसको भरना चाहते हैं पर वो गलती से ODL भर देते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपने BEd स्पेशल का एंट्रेंस फॉर्म कैसे भरना है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में गए तो आपका एंट्रेंस एग्जाम का ये लिंक दिखेगा, इसमें क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। इसमें देखिए दो ऑप्शन आएगा, एक क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर BEd स्पेशल एंट्रेंस और एक आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर BEd ODL। तो आपने BEd स्पेशल करना, अगर आपको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को टीच करना है तो उनके लिए आपको BEd स्पेशल एंट्रेंस फॉर्म पे क्लिक करना है। अब मैंने जैसे क्लिक करा तो इसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक, इसको आप क्लिक करने के बाद आप आई एग्री में जाएंगे। यहाँ आपने क्लिक करा, मैं आपको बता दूँ जो फॉर्म भरने की डेट है वो 7 अगस्त लास्ट डेट है, 8 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो 7 अगस्त का वेट ना करें, इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द भरें क्योंकि आखिरी समय में क्या होता है वेबसाइट कई बार दिक्कत करती है, तो पहले ही फॉर्म भर लें, 7 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए आई एग्री में मैंने करने का कि क्लिक प्रोसीड में जाएं। इसमें आपने अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, सेशन 2024 में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ में आपने इस कैलेंडर का यूज़ करना है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अगर मैंने यहाँ पे ली किसी की डेट ऑफ 95 है जुलाई 11 जुलाई, तो ऐसे करके ये खुद ही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ अपनी नेशनलिटी लेनी है, जेंडर लेना है, यहाँ पर अपनी कैटेगरी लेनी है, यहाँ अपने डोमिसाइल, अगर आप उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास है तो आपने यस करना है। कैटेगरी में जो भी कैटेगरी से आप हैं ये आपने भरना है। ठीक है, इसके अलावा आपने मैरिटल स्टेटस बनाना है, अनमैरिड है कि मैरिड है। इसमें आपने जो इसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और ये आपको काउंसलिंग, अगर आपने यस करा है तो आपको काउंसलिंग के टाइम पर अपना सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इसके बाद पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप स्पेशल पेरेंट्स हैं, अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे हैव RCA CR रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने इससे पहले कोई कोर्स करा है, RCA रिकॉग्नाइज कोई कोर्स करा है तो उसका CR नंबर अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे यस करना है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो भी आपका CR नंबर है। ठीक है, इसके अलावा आपने चॉइस भरनी है कि आपने एडमिशन कौन से स्पेशलाइजेशन लेना है। जैसे हमने आपको बताया हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन में चलता है HI VI LD MR में, तो आपने अगर अपनी आपने अपनी पहली चॉइस आपने VI लेनी है, विजुअल इम्पेयर बच्चों को आपने लेनी है पहली चॉइस, तो आपने VI पहले से, अगर आपको इनकेस VI नहीं मिल पाया तो आपने दूसरी चॉइस आपकी क्या रहेगी तो वो आपने ही बताना है कि आपने HI लेनी है, LD लेना है, MR लेना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, इसके बाद आपने ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि इससे क्या है आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का कभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आपको इन्फॉर्म करना कि डेट कब है या फिर एडमिट कार्ड आने की डेट, तो इसके लिए आपको ये सही होना चाहिए, अगर गलत होगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। वैसे तो हमारी रेगुलर वेबसाइट आपने विजिट करनी है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरते आपने रेगुलर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है। आप रेगुलर वेबसाइट विजिट करेंगे तो उससे क्या है आपको पता चलते रहेगा, सारी जानकारी बता देगी। जैसे आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया उसके बाद आपकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग की डेट्स आएंगी, किस दिन आपने काउंसलिंग के लिए आना है, आपने देहरादून आना है कि हल्द्वानी आना है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। हमारे 2 स्टडी सेंटर हैं, एक देहरादून में है और एक हल्द्वानी में है, तो उसके बाद आपको काउंसलिंग की डेट आएंगी। तो इस चीज़ के लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है www.uou.ac.in, इसमें आपने रेगुलर विजिट करना है, अनाउंसमेंट सेक्शन में रेगुलर हमारे अपडेट आते रहते हैं। ठीक, इसके अलावा आपने यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, इसमें आपने 10th की डिटेल भरनी है, इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी 12th की डिटेल भरनी है, इसके बाद आपने यहाँ अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, आपने BA BCOM BSc जो भी करा है, उसके बाद अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो यहाँ पे अगर आपका फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो आप यहाँ 000 करके डिटेल भर सकते हैं, अगर इसको फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे तो यहाँ पे आप 000 भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम सिटी हमारे एग्जाम में आपको बता दूँ 2 ही जगह होता है, देहरादून और फिर हल्द्वानी। अगर आप गढ़वाल मंडल से हैं, आप चमोली पौड़ी और इधर उत्तरकाशी जिलों से हैं तो आप देहरादून भरिए, अगर आप पिथौरागढ़ चंपावत उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल जिले से हैं तो आप हल्द्वानी सेंटर भरेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करनी है, इमेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल क्लियर हो और लेटेस्ट फोटो हो ताकि आपको एंट्रेंस में कोई दिक्कत ना है
उस टाइम वेरिफिकेशन जब होता है एंट्रेंस के टाइम पे, तो आपके उसमें कोई दिक्कत ना है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और साइन जो आप करते हैं रेगुलर, वही साइन अपने अपलोड करने हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है एंट्रेंस फॉर्म में एंट्रेंस के टाइम पे। ठीक, यहाँ पे आपने जब सब डिटेल आप भर देंगे तो यहाँ वेरीफाइड करेंगे, यहाँ पे आपकी जो एंट्रेंस की फीस है 2000 रुपये वो आपकी आ जाएगी, और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन के साथ होगी वो फीस आ जाएगी। तो वेरीफाइड करते ही आपका यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा, यहाँ पे अपने डन एंड नेक्स्ट करके आपकी फीस जमा हो जाएगी। आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो आप ध्यान रखेगा, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, नहीं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो ये आप स्टाफ से आपका फॉर्म भरा जाएगा एंट्रेंस फॉर्म। जब आप रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको बताया वो आप जब आपको वो हो जाएगा जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ से आप रेफरेंस नंबर अपना डालेंगे जो आपको बताया गया था, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा प्रोस्पेक्टस के बारे में बता दूं कि जो हमारा बीएड है उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। ये हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो मैं बता दूं आपको कि हमारी वेबसाइट में भी ये अपलोड है, जहां आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा होगा तो यहां पे बीएड स्पेशल का प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा। इसकी जो मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इसके कैरियर की बात करें तो कैरियर के बारे में आपको रश्मि सक्सेना मैडम ने बहुत कुछ बता दिया है। इसमें कैरियर की बहुत संभावनाएं हैं, जैसे हमारे जो पुराने पास आउट बच्चे हैं उसमें से कई बच्चे केंद्रीय विद्यालय में DSSB दिल्ली में, और इसके साथ कई बच्चे अच्छे अच्छे NGOs में काम कर रहे हैं, कई बच्चे अपना खुद का NGO खोल के रन कर रहे हैं। जब आप RCA रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप इन सब चीज़ों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है बहुत ज़्यादा। अभी हमारे यहाँ प्राइमरी की भी 380 पोस्ट आई थी, पिछले ही साल हमें राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित करा गया था बीएड विशेष शिक्षा को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये कोर्स है ये 5 सेमेस्टर का है, 2.5 साल चलता है हमारा ये कोर्स, 6-6 महीने का हमारा सेमेस्टर होता है। इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी जो क्लासेस होती है वो देहरादून और हल्द्वानी दोनों जगह लगती हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस भी हमारी देहरादून और हल्द्वानी दोनों जगह होती हैं। एग्जाम सिटी आप अपनी चॉइस के उत्तराखंड में कहीं भी भर सकते हैं, उसकी भी लिस्ट आपको पता चल जाएगी जब आप आएंगे काउंसलिंग के, बताया जाएगा। स्पेशलाइजेशन हमारे यहाँ 4 है, IDD, LD, HI और VI, 4 स्पेशलाइजेशन हमारा चलता है। फॉर्म भरने के लिए आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी एक में 50% होनी चाहिए, और जो कैटेगरी के लिए हैं SC ST OBC वर्ग से हैं उनके लिए 45% इसमें रखा गया है, या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं BA BCOM BSc जिस भी चीज़ के फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, वो फॉर्म भर सकते हैं, पर उनका जो रिजल्ट है वो उन्हें एग्जाम दे दिया है तो जो हमारी काउंसलिंग होगी उससे पहले पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके अलावा जो उत्तराखंड के लिए जो इस बार हमारा एक प्रोविजन आया है कि जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए 80% सीट रहेंगी, जो अदर स्टेट के लिए हैं उनकी 20% सीट रहेंगी, उनके लिए 20% सीट रहेंगी, तो 80-20 का रेशियो है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन आवेदन की 8 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, ये 7 अगस्त तक चलेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की डेट है वो जल्दी जारी हो जाएगी, वैसे जो संभावना है वो अगस्त के अंतिम हफ्ते में होने की उम्मीद है एंट्रेंस एग्ज़ाम, पर आप रेगुलर वेबसाइट विजिट करते रहें। इसके अलावा जो मैं आपको एंट्रेंस का बता दूं कि एंट्रेंस में जो आपका रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा डिसेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें साइकोलॉजी ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन ये रहेगी। ठीक है, एक हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर डाल रखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं जो पाठ्यक्रम शुल्क आपका जो पर सेमेस्टर 15,000 रुपये फीस पहले सेमेस्टर की रहेगी, उसके अलावा यही से आपके 5 सेमेस्टर पर सेमेस्टर 15,000 फीस रहेगी। यही मुझे आपको बताना था वीडियो के माध्यम से, धन्यवाद। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, धन्यवाद।